अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है, जब से मैंने आपको देखा है ना, तब से आपका दीवाना हो गया। परसों से मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी दुल्हन सिर्फ आप ही हो। ख्वाहिश पूरी हो गई। अगर आपकी इजाजत हो तो आपका घूंघट उठाऊं। भाई 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 उठो ना भाई। अम्मी बुला रही है भाई, उठो ना भाई। यार क्या मुसीबत है यार, तुम जैसी बहनें ना अजाब होती हैं। मैं जैसी भी हूँ ना ठीक हूँ। चाय की पत्ती खत्म हो गई है, अम्मी कह रही बाजार से लेकर आओ। भाई सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अरे सुन रहा हूँ, तुम जाओ ना, आ रहा हूँ मैं। हाँ हाँ ठीक है, जा रही हूँ। जा रही हूँ, सुबह सुबह दिमाग का दही बना दिया। वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की ये तकरीब साल 2024 के इस उम्मीद का समर है कि जिसका ख्वाब हर लड़का और हर लड़की देखती है। प्लीज वेलकम करें मोस्ट टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स को। तालियों की आवाज गूंजनी चाहिए ताकि लगे कि आप भी खुशी का इजहार कर रहे हैं। हमारी आज की इस तकरीब के चीफ गेस्ट इसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए साबिक गोल्ड मेडलिस्ट शहजाद ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ मिस्टर वजाहत शहजाद हैं। वेलकम कीजिए शहजाद ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ मिस्टर वजाहत शहजाद। अशरफ, आपको नहीं लगता कि आज आपको निमरा के साथ होना चाहिए? समीना, किस बाप की ख्वाहिश नहीं होती कि वो अपनी औलाद को तरक्की के जीने चढ़ते हुए देखे। मैंने खुद को मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन चाह के भी मैं अपने आप को नहीं मना सका।
क्यों? क्योंकि ऐसे एक इवेंट में मेरे वालिद साहब मेरे साथ थे और हकदार होने के बावजूद मेरा अवार्ड एक सिफारशी स्टूडेंट को दे दिया गया। उस वक्त मैंने वालिद की आंखों में जो दर्द देखा मैं आज तक नहीं भुला सका। वो बुच से गए थे, मेरे वालिद एक बहुत मजबूत इंसान थे, वो तो वो दर्द सह गए लेकिन मैं एक कमजोर इंसान हूं, मैं ऐसा दर्द नहीं सह पाऊंगा। और अब मैं अनाउंस करूंगी उस खुशनसीब का नाम जो कि आज की फाइनलिस्ट है और जो 2024 के गोल्ड मेडल की विनर है। मैं आपकी पुरजोर तालियों में उनका नाम लेना चाहूंगी और वो है मिस निम्रा अशरफ।